ओके वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम थोड़ा हाइड्रोकार्बन के रिलेटेड देखने वाले बेसिक्स रिलेटेड टू हार्ब हाइड्रोकार्बन ठीक है सो so, हाइड्रोकार्बन के रिलेटेड अगर बेसिक के रिलेटेड बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद दी आल्किन फैमिली आ, वो भी उसके पहले हम देखें तो मैंने कल आपको बताया था वहीं से वापस एक बार रिवाइज करा लेता हूँ तो कार्बन का नंबर मैंने जैसे बताया था सिक्स है है ना तो सिक्स नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका कन्फिग्रेशन आएगा टू एंड फोर ठीक है अब टू एंड फोर कन्फिग्रेशन के हिसाब से देखें तो कार्बन के पास कितनी जगह है वन टू तो, थ्री फोर चार जगह है कार्बन के पास चारों जगह पे आप हाइड्रोजन रखोगे अगर आप चारों जगहों पे हाइड्रोजन रखोगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा सी एच फो दैट इज नथिंग बट मीथेन. क्या फॉर्मूला बनेगा सी एच फो मीथेन बनेगा ठीक है अब वही चीज अगर हम आगे देखें तो सी एच फोर के पास नेक्स्ट आता है कार्बन के पास एक दो तीन तीन जगह है तो तीन जगह के हिसाब से देखे तो दो कार्बन जैसे यहां पे दो कार्बन है है ना सो so, एक जगह जो है वो कार्बन और कार्बन ने उसके साथ सैर की हुई है ठीक है तो बाकी कितनी रहेगी एक दो तीन एक जगह सैर की है तो बाकी कितनी रहेगी एक दो तीन सो हाइड्रोजन सब जगह पे लगा दो सब जगह पे हाइड्रोजन लगा दो तो इसका फॉर्मूला आएगा सी टू एच सिक्स जिसका नाम होता है इथेन क्या होता है इथेन नेक्स्ट जाते हैं तीन टाइप की फैमिली आती है अब मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ अब आपको अच्छे से देखना है समझना है कैसे मैं बात कर रहा हूँ कैसे मैं कर रहा हूँ लिखते जाना है समझते जाना है ठीक है सो so, हाइड्रोकार्बन की वैसे मेन दौर पे चार आती है लेकिन अभी तीन से स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन की जो फैमिली है दैट फैमिली इज ऑल अबाउट थ्री फैमिली फर्स्ट इज आलकेन फैमिली आलकेन फैमिली दूसरी फैमिली जो है वो है आलकीन फैमिली और तीसरी जो फैमिली है वो है आलकाइन फैमिली तीन फैमिली है ठीक है जैसे आलकेन फैमिली है तो आलकेन फैमिली में जनरली हमको सिंगल बॉन्ड मिलेगा क्या मिलेगा सिंगल बॉन्ड आलकीन फैमिली है उसमें मिलेगा डबल बॉन्ड अब अच्छे से देखना और आलकाइन फैमिली है उसमें आएगा ट्रिपल बॉन्ड ठीक है अब आल्किन फैमिली में पीछे जो लगता है वो होता है एनी ठीक है सफिक्स जो है यानी पीछे जो लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स सफिक्स जो है वो लगता है एनी आल्किन फैमिली में सफिक्स लगता है ई एनी और आलकाइन सब में देखोगे तो पीछे के जो भी वर्ड है वो उसमें लगेंगे जैसे वाई एन ई ठीक है सो आलकेन आलकीन आलकाइन ये तीन टाइप की फैमिली हमको बड़े दौर पे देखने को मिलती है ठीक है अब आगे अगर हम जाए तो आलकेन फैमिली की अगर हम बात करें आलकेन फैमिली की बात करें तो आलकेन फैमिली में मैंने बोला पहले आलकेन फैमिली देख लेते हैं आलकेन फैमिली में मैंने आपको बोला कि पीछे ए ई लगेगा और बॉन्ड कौन सा होगा सिंगल ही होगा ठीक है, जैसे मैं बात करूं अकेला कार्बन है जगह कितनी होगी चार चार के हिसाब से सी एच फोर होगा उसका नाम जिसको बोलते हैं मीथेन, देखो, ठीक है अब दूसरा देखते हैं स्ट्रक्चर दो कार्बन वाला स्ट्रक्चर कितने कार्बन वाला स्ट्रक्चर दो कार्बन वाला स्ट्रक्चर अब देखो हाइड्रोजन 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 ठीक है तो यहां पे आप देखोगे तो कार्बन कितने हैं एक और दो C2 और हाइड्रोजन कितने है? एक दो तीन चार पांच ठीक है तो क्या हुआ सी टू एच सिक्स जिसका नाम होगा ई देखो पीस में भी नहीं ठीक है अब और एक स्ट्रक्चर देखते हैं और एक स्ट्रक्चर में लेते हैं कार्बन तीन एक दो तीन कार्बन अब तीनों कार्बन के पास देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने आएंगे यहां पे हाइड्रोजन तीन एक तो जगह शहर की है यहां पे हाइड्रोजन आएंगे दो यहां पे हाइड्रोजन आएंगे और तीन तो इससे देख सकते हैं वन टू थ्री सी कितने हैं तीन है और हाइड्रोजन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सी थ्री एच एट जिसका नाम होगा प्रोपेन क्या होगा प्रोपेन ठीक है दैट इज नथिंग बट दी सी थ्री एच एट नेक्स्ट जाते हैं जब कार्बन चार हो ठीक है जैसे हमारे पास कार्बन चार हो जैसे कार्बन वन टू तो थ्री फोर तो ये चार कार्बन के हिसाब से देखे तो ये चार कार्बन के हिसाब से देखे तो सब जगह हाइड्रोजन है सब जगह हाइड्रोजन है सब जगह हाइड्रोजन है, है सब जगह हाइड्रोजन है, है सब जगह हाइड्रोजन है सो सी फोर और एच कितना होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस सी फोर एच टेन तो उसका नाम भी क्या होगा ब्यूटेन क्या आएगा ए एन ई ब्यूटेन सब में एन फैमिली यानी सब में ए एन ई आएगा अब आपको वैसे कार्बन पांच हो तो उसका नाम आएगा पेंटेन और अगर कार्बन सिक्स हो तो उसका नाम आएगा हेक्सेन तो C5 और C6 का स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना है ऐसे ठीक है ये स्ट्रक्चर आपको खुद से बना के मुझे भेजना है ठीक है चलो अब दूसरा फैमिली देखते हैं, दूसरा जो फैमिली है उसका नाम है आलकीन फैमिली कौन सा फैमिली है दूसरा फैमिली दैट इज नथिंग बट दी आल कीन फैमिली चलो आलकीन फैमिली में अगर हम देखें आलकिन फैमिली में अगर हम देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि आल्किन फैमिली में जनरली कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड होता है जो डबल बॉन्ड होने की वजह से उसको बोलते हैं आल्किन फैमिली ठीक है जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो वाली फैमिली में भी ज़्यादातर हम देखें तो दिस वन इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे होगा तो ये जो है वो हो जाएगा इथीन क्योंकि कार्बन के पास दो ही जगह सैर की है तो बाकी कितनी बचेगी एक और दो क्योंकि कार्बन के पास चार ही जगह है तो उसका नाम होगा इथीन अब डबल बॉन्ड हो मीथेन में तो एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड आने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ठीक है यानी इथिन वाला स्ट्रक्चर ही हम ले सकते हैं क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आएंगे तो उसमें ई e फैमिली -E में हम हम कर सकते हैं ठीक है फिर अगर हम जो आगे वाली फैमिली देखें जैसे देखें कार्बन और कार्बन के बीच में हम कितने बॉन्ड करते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में अब इथिन वाला देख लिया अब तीसरा देखते हैं स्ट्रक्चर तीन कार्बन है तो दोनों जगह डबल बॉन्ड नहीं करने का एक ही जगह करने का ठीक है तो एक जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया मैंने तो ये कार्बन के पास जगह कितनी बचेगी एक हाइड्रोजन आएगा और एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि एक दो तीन चार अब ये कार्बन के पास कितनी जगह दे बचेगी देखो एक दो आ गया तीन यहाँ पे आ गया तो चौथा यहाँ पे आ जाएगा ये कार्बन के पास कितनी जगह बचेगी तीन बचेगी एक यहाँ पे एक, एक यहाँ पे एक यहाँ पे ठीक है तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो है सी और एच कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सी थ्री एच सिक्स ठीक है ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा मिला हमको सी थ्री एच सिक्स वाला स्ट्रक्चर मिला जिसका नाम होगा क्या नाम होगा पेंटिन क्या होगा पेंटिन ठीक है सॉरी यहां पे तीन कार्बन यानी प्रोपिन होगा पांच होगा तो पेंटिन होगा प्रोपिन चलो नेक्स्ट जाते हैं चार कार्बन लेते हैं यहां पे वन टू नंबर किया जाता है वो आई पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा अभी टेंशन मत लो ठीक है चलो कार्बन चार है ठीक है तो चार कार्बन यानी एक जगह पे तो क्या होगा डबल बॉन्ड होगा ना एक जगह पे तो डबल बॉन्ड अपन ले लेते ठीक है तो यहाँ पे जगह कितनी है हाइड्रोजन 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 और यहां पे तीन हाइड्रोजन वन टू थ्री फोर सी फोर है और एच कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सी फोर एच एट तो उसका नाम होगा ब्यूटीन क्या होगा ब्यूटीन अब आपको प्रोपिन ब्यूटीन के साथ आपको पेंटिन यानी पांच कार्बन और कार्बन छ हो वैसा स्ट्रक्चर है हेक्सिन तो ये दोनों के स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाने होमवर्क में मैं चेक करूंगा हाँ खुद से स्ट्रक्चर बनाने की कैसे उसके स्ट्रक्चर बनते हैं ठीक है ठीके? चलो अब तीसरा फैमिली लेते हैं तीसरा जो फैमिली है वो है अलकाइन फैमिली अल काइन फैमिली कौन सा स्ट्रक्चर है तीसरा वाला स्ट्रक्चर अलकाइन फैमिली तो अलकाइन फैमिली में अगर हम देखें अल्काइन फैमिली में अगर हम देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन फैमिली में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है अब ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से अगर हम देखें ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से अब मीथाइन वाला तो स्ट्रक्चर आ ही नहीं सकता क्योंकि मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है तो ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है दूसरा स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है ठीक है तो दोनों जगह क्या होगा यहां पे हाइड्रोजन होगा तो ये स्ट्रक्चर होगा इथाइन, क्या स्ट्रक्चर होगा इथाइन ठीक है फिर नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगर कार्बन और कार्बन जैसे चेन में है तो ऐसे तीन कार्बन होंगे ठीक है तो ये तीन कार्बन के हिसाब से अगर हम देखे तो यहां पे हाइड्रोजन है यहां पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन सो so, उस हिसाब से जो देखे तो स्ट्रक्चर आएगा प्रोपाइन क्या आएगा प्रोपाइन स्ट्रक्चर आएगा फिर अगर हम देखें फिर अगर हम देखे चार कार्बन है तो एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड करते हैं तो यहां पे अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड किया कहीं पे भी आप ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हो लेकिन एक ही जगह करने का हाँ ये याद रखने का दो भी आएगा लेकिन अभी प्राइमरीली जो हम पढ़ रहे उस हिसाब से अगर देखें तो आपको अभी एक ही जगह करना है ठीक है सो so, यहां पे तीन और यहां पे हाइड्रोजन यहाँ पे तीन अब यहाँ पे तो आएगा नहीं यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे वापस हाइड्रोजन हाइड्रोजन सो अगेन सी एच थ्री सी एच टू C ट्रिपल बॉन्ड C H तो उसका नाम क्या आएगा वाइन फैमिली यानी ब्यूटाइन ठीक है चलो अब जाते हैं नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है पेंटाइन फैमिली और नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है हेग्जाइन फैमिली ये दोनों आपको ड्रॉ करने फैमिली यानी ये स्ट्रक्चर आपको यहां पे ड्रॉ करने है पेंटाइन और हेक्साइन ठीक है जिसके स्ट्रक्चर आपको देखने चलो अब जाते हैं सिंपली हेलोजन पे जाते हैं चलो यानी हेलाइड हेलाइड फैमिली हैलाइट फैमिली में अगर हम देखें तो हमारे पास होता है हेलोजन का एक्स ठीक है तो एक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्स में आता है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडी ये सारी चीज़ किस में आती है हेलाइट फैमिली में आती है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडी ठीक है अब जैसे मैंने आपको बोला फॉर्मूला तो मीथेन का फॉर्मूला जो है वो है सी एच ठीक है अब कहीं से भी कहीं से भी आप ले लो तो अगर फ्लोरिन यहां से चला जाए फ्लोरिन यहाँ से चला जाए और फ्लोरिन अगर यहाँ पे अटैक करे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो रहेगा रहे क्या रहेगा क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन उसकी जगह और हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा फ्लोरिन आ जाएगा तो उस हिसाब उस हिसाब से अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्लोरोमिथेन क्या बोलेगा उसका नाम फ्लोरोमीथेन। अगर यहां फ्लोरिन की जगह क्लोरिन हो तो उसका नाम होगा क्लोरोमिथेन अगर ब्रोमिन हो उसकी जगह तो उसका नाम आएगा ब्रोमोमिथेन अगर आयोडिन हो तो आयोडोमिथेन ऐसे नाम बनता है जैसे मेरे पास तीन कार्बन के स्ट्रक्चर तीन कार्बन के है आइटम्स ठीक है अब ये तीन कार्बन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक जगह मेरे पास लगा हुआ है क्लोरीन तो कार्बन के पास जगह कितनी अब दो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे कितनी जगह है दो दो हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे कितनी जगह है तीन तो तीन हाइड्रोजन आएगा तो यहां पे फॉर्मेशन क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल ठीक है ऐसा कुछ बनेगा तो सी एच थ्री सी एच टू सी एल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन है एक दो तीन तो आएगा यहाँ पे क्लोरीन के हिसाब से क्लोरो प्रोपेन ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली तो आप हेलोजन का इस हिसाब से नाम लिख सकते हो नेक्स्ट जाते हैं अल्कोहल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब अच्छे से देखना हाँ ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है सो so आप अच्छे से प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना चलो अल्कोहल. अल्कोहल फैमिली का देखे अल्कोहल फैमिली का देखे तो कौन सा बॉन्ड है ओ OH एच है अल्कोहल में ठीक है सो so, अगर जैसे हम बात करें जैसे हम बात करें तो आ, हमारे पास मीथेन है दैट इज़ नथिंग बट द सी एच फोर तो सी एच फोर के हिसाब से कार्बन के आसपास कितनी जगह है चार जगह है इसमें से हाइड्रोजन की जगह अगर ओ OH एच आता है हाइड्रोजन की जगह क्या आता है ओ OH आता है तो सी एच एच और उसकी जगह आएगा ओ OH. तो ये फॉर्मेशन क्या होगा सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको बोला जाता है मिथेनॉल क्या बोला जाता है मिथेनॉल ठीक है फिर अगर दो कार्बन हो दो कार्बन हो और ओ एच यहां पे हो दो कार्बन हो और ओ एच यहाँ पे हो, हो OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे और तीन हाइड्रोजन यहाँ पे सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो होगा सी एच थ्री दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सी एच टू और लास्ट में जो होगा वो होगा ओ एच दैट इज नथिंग बट दी इथेनॉल ठीक है यानी ओ एच आल्कोहल में पीछे लगता है ओ एल क्या लगता है ओ एल ठीक है चलो नेक्स्ट जाते हैं इथर फैमिली इथर फैमिली सो so, इथर फैमिली में अगर हम देखे इथर फैमिली में हम देखे तो यहां पे ओ के दोनों साइड पीछे आगे पीछे दोनों बॉन्ड होते हैं है, है ना तो ईथर में एक तो पहले लग, आ, लिखा जाता है आलकोक्सी क्या लिख, लिखा जाता है अलकोक्सी जैसे मैं बात करूं सी एच थ्री ओ सी एच थ्री ऐसा फॉर्मेशन है तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो उसका नाम क्या होगा मिथॉक्सी मिथेन मिथौक्सी मिथेन क्यों ऐसा देखो ओ के पहले का जो है वो कितने कार्बन है एक तो एक कार्बन के हिसाब से वो आएगा मिथॉक्सी और ओ के बाद कितना है एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के हिसाब से आएगा मिथेन चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको पता अच्छे से चलेगा जैसे सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच थ्री ऐसा है तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे जो फॉर्मेशन में है यहां पे तो एक अकेला मिथेन ही है ठीक है तो उस हिसाब से क्या आएगा मिथॉक्सी सी कितने कार्बन है दो तो मिथॉक्सी आएगा इथेन ठीक है चलो अब जाते हैं सी एच थ्री ओ यहाँ लिख सकते हैं जैसे मैं, मैं ये भी लिख सकता हूं और एग्जांपल की भाई सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ सी एच थ्री ऐसा भी हो सकता है तो ये कितने तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के हिसाब से हम क्या लिखते हैं याद करो प्रोपोक्सी प्रोपोक्सी तीन कार्बन है तो प्रोपोक्सी कितना कार्बन है लास्ट में एक तो आएगा प्रोपोक्सी है। ठीक है सो इथर में आएगा एक तो ओ और अल्कोक्सी इतना सिर्फ आपको अच्छे से याद करना है आपको और स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने हैं ब्यूटोक्सी प्रोपेन और तीसरा आपको याद कर... तीसरा आपको ड्रॉ करना है इथोक्सी ब्यूटिन ये जो आपको दोनों खुद से करना है ठीक है चलो फिर नेक्स्ट फैमिली अपन जाते हैं दैट इज नथिंग बट दी अल्डीहाइड फैमिली कौन सी फैमिली अल्डीहाइड अल्डीहाइड फैमिली में अगर हम देखें एल्डिहाइड फैमिली में अगर हम देखे तो यहाँ पे सी एच ओ है क्या आएगा एल्डिहाइड फैमिली में सी एच ओ फॉर्मेशन आएगा सी एच ओ फॉर्मेशन अगर हम एल्डिहाइड में देखे तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या सी एच ओ के साथ सी एच ओ के साथ अगर एच जुड़ जाता है तो एच सी एच ओ एच सी एच ओ के हिसाब से लगेगा क्या मीथेनाल क्या लगेगा ना। दूसरा अगर हम देखे सीएचओ के साथ ही जोड़ा है क्योंकि एक ही जगह थी कार्बन के पास बाकी जगह तो हो गई थी कता। अब दो कार्बन हो हो और ऐसे तो कार्बन के पास जगह कितनी आएगी तीन जगह तो उसका फॉर्मेशन फौर्म, कैसा होगा सी एच थ्री सी एच ओ तो उसका आएगा फॉर्म वैसे कार्बन की तीन जगह हो कितनी जगह हो तीन जगह हो एक दो तीन तो तीन जगह के हिसाब से देखे तो सी एच थ्री यहां पे एच एच तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ तो तीन कार्बन के हिसाब से देखे तो आएगा प्रोपेनाल क्या आएगा प्रोपेनाल ठीक है तो आप प्रोपेनाल के हिसाब से आप बना सकते हो ब्यूटेनाल का स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना है फिर एग्जेनाल का स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना है फिर आपको पेंटेनाल का स्ट्रक्चर खुद से बनाना है तीन स्ट्रक्चर आपको होमवर्क में थोड़ा समझ के बनाना है है ना? चलो फिर जाते हैं कीटोन यहाँ पे पी पीछे लग, लगता क्या है आल आल लगता है देखो तो सब में आल, आल 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 सब में आल लगेगा ठीक है नेक्स्ट आएगा कीटोन कीटोन फैमिली सो कीटोन फैमिली में अगर हम देखें कीटोन फैमिली में अगर हम देखें तो कीटोन फैमिली में क्या आएगा कीटोन फैमिली में क्या आएगा कीटोन फैमिली में आएगा जैसे हम बात करते हैं कार्बन की है ना तो कार्बन पहले मैं आपको समझा देता हूं कीटोन फैमिली में होता क्या है सीओ आएगा क्या आएगा सी ओ आगे और पीछे दोनों जगह बॉन्डिंग की जगह रहेगी सी ओ ठीक है और इसका लगता है ओ एनी सफिक्स में क्या लगता है ऑन ठीक है जैसे मैं बात करूं जैसे मैं बात करूं सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री तो उसका नाम क्या बनेगा उसका नाम क्या बनेगा प्रोपेनोन क्या नाम बनेगा प्रोपेनोन क्यों कितने कार्बन एक दो तीन तो उसका नाम बनेगा प्रोपेनोन. जैसे चार कार्बन हो एक दो तीन, चार कार्बन तो के हिसाब से अगर बीच में सीओ हो तो सब जगह पे हम यहां पे स्ट्रक्चर लगाते सी एच थ्री सी एच टू सीओ सी एच थ्री तो इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनेगा ब्यूटेनोन क्या बनेगा ब्यूटेनोन चार का और कुछ नहीं ठीक है तो आपको इस हिसाब से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने हैं पेंटेनोन और हेक्सेनोन इतने स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है चलो फिर नेक्स्ट जाते हैं कीटोन फैमिली का खत्म हुआ नेक्स्ट जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे, किस पे जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम देखें तो सी डब्लो एच स्ट्रक्चर होगा कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर क्या होगा सी डब्लू एच एच होगा तो जैसे ही हम देखें एच सी डब्लू एच तो क्या आएगा मिथेनोइक एसिड मीथेनोइक एसिड फिर दो कार्बन हो और सी डब्लू एच हो तो सी एच थ्री सी डब्लू एच के हिसाब से आएगा ईथेनोइक एसिड क्या आएगा इथेनोइक एसिड ठीक है तीन कार्बन हो तो सी एच थ्री सी एच टू सी डब्ल्यू एच के हिसाब से आएगा एक दो तीन इसका भी कार्बन सी डब्ल्यू एच का गिनने का एक दो तीन तो क्या आएगा प्रोपेनोइक एसिड आपको खुद से बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड फिर बनाना है एक्जेनोइक एसिड एग्जाम में कितने होंगे छबनोगे और दूसरा आपको बनाना है पेंटेनोइक कैसे ठीक है तीन खुद से बनाने चलो नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट जाते हैं एस्टर किस पे जाते हैं एस्टर चलो तो एस्टर का फॉर्म आएगा सी डब्लो आर आर यानी कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है उसके साथ और उसके सफिक्स में आएगा ओ एट -E क्या आएगा ओट ठीक है चलो जैसे एच सी डबलो सी एच थ्री अगर हम यहां पे ऐसा लिखे तो यहां पे कितने कार्बन है एक कार्बन है तो एक हिसाब से हमको लिखना है मिथाइल और यहां पे पीछे सीएच थ्री है तो आएगा मिथाइल मिथेनोइट क्या आएगा मिथाइल मिथेनोइट फिर अगर हम बात करें दो कार्बन की तो सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच थ्री तो इस हिसाब से देखे तो यहाँ पे क्या है सी एच थ्री यानी मिथाइल तो आएगा मिथाइल कितने कार्बन है दो इथेनोएट मिथाइल इथेनोएट ठीक है फिर अगर हम तीन कार्बन का अगर देखे तीन कार्बन का देखे तो सी एच थ्री सी डब्लो सी एच टू सी एच थ्री तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर आएगा इथाइल इथेनोइड ठीक है तो इस हिसाब से आपको एस्टर लिखना है आपको खुद से बनाने हैं मिथाइल प्रोपेनोइड मैं चेक करूंगा सब अच्छे से बनाना फिर बनाना है ब्यूटाइल इथेनोइड ये खुद से आपको बनाने है। ठीक है चलो लास्ट देखते हैं एमाइड कौन सा वाला स्ट्रक्चर एमाइड स्ट्रक्चर एमाइड स्ट्रक्चर में आएगा सीओ एनएच टू क्या आएगा सीओ एन एच टू तो वो एमाइड के हिसाब से देखें सी एच थ्री एन एच टू तो उसका नाम क्या होगा इथेन एमाइड इथेन एमाइड क्यों इसके पीछे क्या लगता है सफिक्स में एमाइड कुछ नहीं ठीक है जैसे तीन कार्बन हो सी एन एच टू लगा हो तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री तो उसका नाम क्या आएगा तीन कार्बन तो प्रोपिन माइड आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है हेक्नेमाइड का किसका बनाना है का ठीक है और एक बनाना है का ठीक है ये दो स्ट्रक्चर आपको करना ठीक है ठीके? तो आज का जितना भी है टू टाइम्स अच्छे से लिख के करना है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का अच्छे से करना है।